हाय गाइस, वेलकम टू नाइन्थ एपिसोड ऑफ एनिमी न्यूज। आज हम लोग बात करने वाले हैं कागुया-सामा लव इज वॉर के बारे में, डिटेक्टिव कॉनन मूवी के बारे में और वन पीस गेम के अपडेट को लेके और भी बहुत कुछ। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो लास्ट तक बने रहिए। पहले बात करते हैं टाइटल रिवील, की विजुअल और प्रोमोशनल वीडियोस के बारे में। कागुया-सामा लव इज वॉर के ऑफिशियल वेबसाइट ने इसका फिल्म का न्यू ट्रेलर स्ट्रीम करना शुरू कर दिया है। एनिमे का नाम होगा कागुया-सामा वा कोकुरा सेताई फर्स्ट किस वा ओवरनाई या कागुया-सामा लव इज वॉर द फर्स्ट किस दैट नेवर एंड। इस ट्रेलर में फिल्म का ओपनिंग थीम सॉन्ग लव इज शो बाय मासायुकी सुजुकी जो फीचर करता है रेनी ताकागी को। ये फिल्म जापान में 17 दिसंबर को रिलीज होगा। ट्रेलर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट में बात करते हैं और एक नए एनिमे को लेके। टोनी कावास ओवर द मून फॉर यू ऑफिशियल वेबसाइट ने इसका न्यू टीजर विजुअल, टीजर प्रोमोशनल वीडियो और 2023 सेकंड सीजन का प्रीमियर डेट भी शो किया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। दूसरे में बात करते हैं मांगा और गेम्स को लेके। दिसंबर इश्यू ऑफ कोदांशा शोनेन मैगजीन आर ने यह अनाउंस किया है कि उनका मैगजीन पब्लिकेशन फरवरी 2023 को एंड हो जाएगा, जो फिर रिलीज होगा जनवरी 20 को। नेक्स्ट में बात करते हैं ड्रैगन बॉल मांगा को लेके। जनवरी 2023 इश्यू ऑफ शुईशा वी जंप मैगजीन ने यह अनाउंस किया है कि तोयोतारो ड्रैगन बॉल सुपर मांगा फिर से स्टार्ट हो चुका है न्यू आर्क के साथ और ये दिसंबर 21 को रिलीज होगा। नेक्स्ट में बात करते हैं मांगा को लेके। 51 इश्यू ऑफ कोदांशा वीकली यंग मैगजीन ने यह अनाउंस किया है कि ऑथर शुईची शिंगनो MF गोस्ट मांगा के राइटर को अभी कुछ महीनों या कुछ साल के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा उनकी बिगड़ती हुई तबियत को लेके। नेक्स्ट में बात करते हैं मांगा को लेके। विस मीडिया और मांगा प्लस ने ऑथर निशी ओशेन और आर्टिस्ट यूजी इवासाकास सीपर एकेडमी या आंगो गाको नो इरोहा मांगा को इंग्लिश में पब्लिश करना शुरू कर दिया है। मांगा प्लस सेकेंड सीजन को नवम्बर 27 से पब्लिश करेंगी। नेक्स्ट में बात करते हैं मांगा को लेके। कोदांशा मॉर्निंग मैगजीन के ऑफिशियल वेबसाइट ने और मांगा क्रिएटर कावरो फुकाया ने अनाउंस किया है कि योमावारी नेको या नाइट वॉच कैट मांगा को एनिमे एडाप्टेशन मिलेगा। नेक्स्ट में बात करते हैं गेम को लेके। बांदाई नामको एंटरटेनमेंट अमेरिका स्ट्रीम कर रहा है वन पीस ओडिसीज गेम को PS5, PS4, Xbox Series, PC वाई स्ट्रीम के लिए। इस वीडियो में साइड क्वेस्ट, डंजन, स्पेशल मूव और बॉन्ड आर्ट आप देख सकते हैं। ये गेम 12 जनवरी को रिलीज होगा। नेक्स्ट में बात करते हैं और एक गेम को लेके। D3 पब्लिशर स्टार्ट कर दिए है स्ट्रीम करना 10 मिनट का गेम प्ले वीडियो समुराई मेडन एक्शन गेम का। ये गेम अभी प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट में बात करते हैं और एक गेम को लेके। लेवल 5 ने स्ट्रीम किया है ओपनिंग वीडियो मेगाटॉन मुसाशी एक्स क्रॉस गेम का PS4, निंटेंडो और PS5 के लिए। इस वीडियो में इसका रिलीज डेट दिसंबर 16 है। पहले दिसंबर 1 था, फिर डिले होके दिसंबर 8 हुआ, अभी फिर डिले होके दिसंबर 16 हो गया। नेक्स्ट में बात करते हैं और एक गेम को लेके। जापानीज गेम डेवलपर ऑफिस क्रिएट ने अपने वेबसाइट में ये अनाउंस किया है कि ICC मतलब इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेरी को ये पता लगा है कि प्लांड एंटरटेनमेंट के पास कोई राइट नहीं था कुकिंग मामा कुकस्टार गेम रिलीज करने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्योंकि लाइसेंस एग्रीमेंट दोनों कंपनी के बीच पहले से ही टर्मिनेट हो चुका था मार्च 2020 को। अभी ऑफिस क्रिएट स्टेप ले रही है ये वीडियो गेम को पूरे मार्केट से रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट में बात करते हैं गेमिंग रैंकिंग के बारे में। स्क्रीन में आप नवंबर 7 से नवंबर 13 तक खेले जाने वाले टॉप 20 गेम देख सकते हैं। तीसरे में बात करते हैं छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। बहुत बुरी खबर है पावर रेंजर्स फैन के लिए। हमारे फेवरेट पावर रेंजर सर जेसन डेविड हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड कर लिया 49 के उम्र में। नेक्स्ट में बात करते हैं और एक बुरी खबर के बारे में। वॉइस एक्टर मित्सुकी मादोना ने रिवील किया है कि वॉइस एक्टर कियोकी यानादा हमारे बीच नहीं रहे। वो 57 साल के थे। उन्होंने आकागी को स्लैम डंग में, एंड्रयू कैमल को डिटेक्टिव कॉनन में,
और ताकाशी ओई को डेड नोट में आवाज दी है, और भी बहुत कैरेक्टर को उन्होंने आवाज दी है। नेक्स्ट में बात करते हैं एनिमे एडाप्टेशन को लेके। फूजी टीवी ने रिवील किया है कि यूमी तामुरा मांगा डू नॉट से मिस्ट्री मांगा को लाइव एक्शन एडाप्टेशन मिलेगा। नेक्स्ट में बात करते हैं ब्लू रे डिस्क को लेके। बांदाई नामको आर्ट ने अनाउंस किया है कि वो लोग रिलीज करेंगे हिस्टोरिक ओवा डायलॉग्स के ब्लू रे डिस्क को पहली बार मार्च 24, 2023 को। नेक्स्ट में बात करते हैं नेटफ्लिक्स को लेके। एनएचके ने नेटफ्लिक्स से 22 टाइटल को रिमूव करने के लिए कहा है, क्योंकि नेटफ्लिक्स एडवर्टाइजमेंट सपोर्टेड सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं पॉलीगॉन पिक्चर के बारे में। पॉलीगॉन पिक्चर ने अनाउंस किया है कि उन्होंने और भी शेयर्स लिए हैं मलेशिया बेस्ड जॉइंट वेंचर स्टूडियो सिल्वर एंड पीपीएल का, और अभी वो नाम चेंज कर दिए है जो होगा पॉलीगॉन पिक्चर मलेशिया। नेक्स्ट में बात करते हैं डिटेक्टिव कॉनन मूवी के बारे में। एंटरटेनमेंट न्यूज ने अनाउंस किया है कि डिटेक्टिव कॉनन द ब्राइड ऑफ हेलोवीन ने चाइना में अराउंड 11.7 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की है, जो इंडियन रुपीज में शायद 8.17 करोड़ के आसपास होगा। नेक्स्ट में बात करते हैं इंग्लिश डब को लेके। हिडवे या HIDIVE ने अनाउंस किया है कि काईजी को इंग्लिश डब मिलेगा, वो भी 9 एपिसोड के साथ, और वो भी नवंबर 28 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट में बात करते हैं एनिमे रैंकिंग को लेके। नवंबर 7 से नवंबर 13 तक देखे जाने वाले टॉप 11 एनिमे की लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही न्यूज के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट सी यू माइक ड्रॉप।